वाराणसी कचहरी के अधिवक्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर इजराइल के समर्थन में सड़क पर उतरे। अधिवक्ताओं ने कचहरी से निकलकर गोलघर चौराहा होते हुए वापस कचहरी में अपने प्रदर्शन को समाप्त किया, जिस दौरान अधिवक्ताओं ने इजराइल के समर्थन में नारा लगाया। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमारा मित्र देश है और जो भी देश आतंकी संगठन हमास के समर्थन में है वो सभी गद्दार हैं। आपको बता दें कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है और इंटरनेट पर इस युद्ध की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मन विचलित कर दे रहा। अधिवक्ताओं ने कहा पूरा देश इजराइल के साथ है और हम लोग आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जी जान लगा देंगे। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। जी आज आप लोग कर रहे हैं। मैं मदन मोहन यादव एडवोकेट, आज हम लोग हमारे साथी अधिवक्ता बनारस कचहरी के इजराइल के संदर्भ में हमारा सदाबहार मित्र भारत के दुख सुख का साथी इजराइल पर आतंकी कार्रवाई हुई है उस संदर्भ में आज हम लोग उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं और हमास ये आतंकवादी जो कार्रवाई इजराइल पे किया है वह सर्वथा निंदा और भर्सना के योग्य है। वह कौन सा मजहब धर्म है जिसमें 6 साल की बच्ची को गैर मजहबी के साथ व्यक्ति के बच्ची के साथ बलात्कार किया जाए और 40 मासूमों को कंटेनर में जला दिया गया और जर्मन की महिला को निर्वस्त्र करके अपमानित उसके मृत शरीर के साथ किया जा रहा है, यह सर्वथा भर्सना योग्य है। ऐसी मानसिकता भारत विरोधी है। वो लोग जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्या एक अल्पसंख्यक राष्ट्र इजराइल दुनिया में नहीं रह सकता है? ये कितना भर्सना योग्य है? ऐसी दशा तो हम हिंदुओं की भी है, भारत के सनातनियों की भी है कि हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारी मातृभूमि है। यदि इजराइल अपने पूर्व की मातृभूमि को अपने विस्तारित क्षेत्र को पाना चाहता है तो यह सभ्यतागत उसका नैतिक अधिकार है, इसका मौलिक अधिकार है। इसलिए हम लोग इजराइल के समर्थन में हैं। इजराइल के पक्ष में निकाले हैं, उसके पीछे सिर्फ हम लोगों की मंशा यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ है और इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत इजराइल के साथ गया है क्योंकि भारत की जनता 500 साल से आतंकवाद को झेल रही है, जिसको विश्व पटल पे भारत की सरकारें हमेशा उठाती रही हैं लेकिन विश्व के दोहरेपन के रवैये के कारण इसको पूर्ण सफलता नहीं मिली। ये मोदी जी की अपनी काबिलियत है कि आतंकवाद को विश्व पटल पर उठाए और इसलिए मोदी जी ने इजराइल के साथ स्टैंड लिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, न कि ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। और जो लोग यहाँ भारत में हमास का समर्थन करते हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति से केवल प्रेरित हैं, न उनको देश प्रेम है, न विश्व के मानवाधिकार के किसी मानव जाति से प्रेम है, केवल वोट बैंक की राजनीति, आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ललन कुशवाहा एडवोकेट, सिविल कोर्ट वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं और राष्ट्र के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। आज आपका अधिवक्ता समूह तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन का क्या कारण है? देखिए आज जो है विश्व में बहुत से देश जो हैं आतंकवाद से जूझ रहे हैं,
भारत बहुत दिनों से जूझ रहा है। आज इजराइल के ऊपर हमास जो आतंकवादी संगठन है, जिस तरह से वहाँ के आम नागरिकों को बंधक बनाया और उनकी नृशंस हत्या किया, और कुछ लोग भारत के ही जो कि इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके पक्ष में खड़े हैं, इसके लिए जो हम सड़कों पर उतरे हैं जागरूक करने के लिए लोगों को कि जो हमास के यार हैं वो भारत के गद्दार हैं। हम लोग इजराइल के समर्थन में जो है जुलूस एक कचहरी परिसर में निकाला गया है, जो कलेक्ट्रेट से शुरू होकर पूरा सिविल दीवानी न्यायालय में होते हुए गेट के बाहर हम लोग निकल के गोलघर चौराहे पर हम लोग आके जो है भारत माता की जय, इजराइल हमारा साथ है, भारत भारत इजराइल भाई भाई के नारों के उच्चारण करते हुए यह हम लोग जो है यह दर्शाना चाहते हैं कि पूरा अधिवक्ता समाज जो इस समय इजराइल के साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर, और आतंकवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनका घोर विरोध हिंदुस्तान तब तक करता रहेगा जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, क्योंकि आतंकवादी इस पूरे मानवता को पूरा शर्मसार कर रही है, तार तार कर दे रही है। इसलिए आतंकवाद का सर्वनाश हो, मानवता की जीत हो और इजराइल की जीत हो, यही हमारा जो उत्साह है। जय हिंद।